मैं करने वाली हूँ फैन क्लीन और ये सब वॉल। अभी आपको दिखाती हूँ पास से अगर दिखेगा कैमरे में। ये देखिए एक्चुअली यहाँ पे ना फैन की वजह से बहुत ज्यादा गंदगी है, पता नहीं वीडियो में समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये सब मुझे पूरा पोछना पड़ेगा, तो मैं कर लेती हूँ। करके एक क्लचर लगा लेती हूँ, शायद ये सही रहे, देखेंगे अगर निकलेगा तो फिर निकलेगा। पहले तो इसे अच्छे से सेट ही कर ले, फिर सफाई करें। ऐसे कर लेती हूँ, एक कान बाहर एक कान अंदर। हो गया। कैसी लग रही हूँ नेपाली? बेडशीट वगैरह हटा लूं फिर करती हूँ ऊपर की सफाई। बेडशीट, पिलो और यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं जो मतलब गंदी ना हो, जैसे मैं फ़ैन क्लीन करूँगी तो मैं इसको जा कर के ना अभी हॉल में रख दे रही हूँ, और उसके बाद जब यहाँ की साफ़ सफाई हो जाएगी उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बिछा दूँगी। अभी रूम में भी रखेंगे ना तो मुझे पता है कि कितना गंदा है, तो सब जगह गंदा ही हो जाएगा, इसलिए मैंने जो भी चीज़ें थी यहाँ पर जो गंदी हो सकती थी। जो है वो टूट गई बीच से, तो जुगाड़ लगाया है मैंने अभी, क्योंकि क्या है ना सुबह सुबह टूट गई और सुबह सुबह कोई था ही नहीं लाने वाला, हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस, कोई था ही नहीं, तो मैं आज इसी से करूंगी काम। आप नहीं, आपके बाल ना गंदे हो जाएंगे, आप उधर बैठ जाओ। वैसे मुझे इस चेयर में चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो आराम से इससे पहुंच जा रही हूँ। चेयर मैंने यहाँ पे लगाई थी, मुझे लगा शायद चेयर में चढ़ के ही साफ कर पाऊंगी क्योंकि ऊंचा है काफ़ी, बट मैं ऐसे ही पहुंच जा रही थी तो मैंने ऐसे ही साफ कर दिया। और आप लोग सोच रहे हो इतना ज़्यादा क्यों फेस कवर किया हुआ है मैंने, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ना डस्ट एलर्जी है भी, और बहुत मतलब वीडियो में क्या है ना नहीं पता चलता है कि कितना क्या डस्ट है तो उड़ रही है, वो आपको पता नहीं चलेगा वीडियो में, बहुत गंदगी थी, तो इसलिए मैंने इतना अच्छे से अपना फेस और खासकर नोज़ कवर किया हुआ, क्योंकि अगर मेरे थोड़ा सा भी डस्ट चली जाती है ना तो नॉन स्टॉप छींक आएगी, फिर तो मतलब छींक आने के बाद फिर और मेरी हालत जो है ना वो बुरी हो जाती है, तो इसलिए मैंने एकदम अपने नोज़ को कवर किया था और मैंने इतनी साफ़ सफाई कर डाली, लेकिन फिर भी मतलब मुझे छींक नहीं आई, तो वो इसीलिए कि अच्छे से कवर किया था तो ठीक रहा, वरना फिर थोड़ा सा भी मैं सोचती कि अरे मुंह नहीं ढकते हैं ऐसे ही करते फिर मुझे बाद में बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाता, तो उस तरफ का तो हो गया। अब इस साइड पे आ गई हूँ और जो रॉड है, रॉड में भी बहुत ज़्यादा डस्ट आपको दिख रही होगी, देखिए, और ये अलमारी के ऊपर भी बहुत थी, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी थी। मैं आपको ना फैन की हाल दिखाती हूँ कि कितना गंदा है, वेट। देखा आपने, हम लोग यहाँ इस घर में जब से आए हैं तब से फैन की क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा आज कर ही देते हैं। जाले वगैरह मैंने सारे निकाल लिए हैं, अलमारी के ऊपर से भी सब साफ़ कर लिया है। अब फ़ैन आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए कि कितनी धूल निकल रही है। और क्या है ना कि मैं पहले सोच रही थी चेयर में चढ़ूं, क्योंकि अभी चेयर को होल्ड करने के लिए भी कोई है नहीं, बाई चांस गिर जाऊं, तो पहले मैं सोच रही थी ना कि मैं बेड में खड़े खड़े ही जितना हो सकता है उतनी जो धूल है वो हटा दूँ, और उसके बाद चेयर में चढ़ के अब फिर मैं कपड़े से उसे पोंछ रही हूँ, क्योंकि वो झाड़ू से साफ हो ही नहीं रहा था, मतलब बड़ा बड़ा जो कूड़ा ऐसे जैसे डस्ट है वो तो हट गया, लेकिन जो ऐसे फैन में मतलब जो चिपक जाती है ना गंदगी, वो उससे तो हटेगी नहीं झाड़ू से, तो मैं अब ये कपड़ा ले ली हूँ और इससे अच्छे से साफ़ करी, तो इससे तो काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था, और बाद में ना फिर मैंने वो कपड़ा जो है ना वो गीला करके भी साफ़ कर दिया था, तो अच्छे से फ़ैन क्लीन हो गया था। अब फ़ैन के बाद अब इस तरफ चलते हैं, ये जो
विंडो के ये जो है ना पार्ट, ये विंडो है और ये जो डोर है इनमें भी बहुत डस्ट थी। ये देखिए कितनी ज़्यादा निकल रही है। और ऊपर वाली जो जाली जैसा लगा हुआ है ना ऐसे लाइन लाइन सा, उनमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो ये भी हो गया साफ, इसे भी कर लिया। उसके बाद अभी थोड़ा सा क्या है ना कि नीचे नीचे से ऊपर का नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने सोचा चेयर में चढ़ के यहाँ पे साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी साफ़ हो गया था। बाद में फिर मैंने ना इसे झाड़ू से करने के बाद कपड़े से भी पोंछ दिया गीला करके, तो और अच्छे से एकदम चमक गया था कमरा। और आप देख सकते हो कि मतलब ज़्यादातर गंदगी निकल गई है। और फिर इधर भी साफ़ कर दिया है। लग रहा था कि चलो थोड़ा थोड़ा करके ना, फिर पूरा लगता है कि अभी इधर कर रहे हैं तो उधर का भी कर लो, उधर का भी कर लो, ऐसे करके पूरा मतलब रूम साफ़ हो गया। अभी थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी, ये देखिए कितनी गंदगी हो गई है, न जाने कहाँ से यहाँ पर इतनी गंदगी आ जाती है। मतलब ये कमरा ना एकदम पीछे तरफ है और हम लोग विंडो वगैरह कभी ओपन भी नहीं करते। आप देखोगे मेरे घर में हमेशा विंडो बंद रहती हैं, फिर भी इतनी सारे कोने तो साफ कर लिए हैं। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, एक कोना रह गया है ये वाला। और ये इसलिए रह गया है क्योंकि वहां पे मेरी दुश्मन है। इधर भी थोड़ा जाला लगा है, आपको वीडियो में दिखा होगा, बट मैं वो साफ नहीं कर सकती हूँ। मम्मा आप अपना आप घर साफ कर ली थी क्या? गंदा क्यों? गंदा क्यों? मुझे बस ऐसा लग रहा था। हाँ गंदा तो हो ही गया, ये देखो कितना गंदा गंदा हो गया है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो, दीवाले और ऊपर तो साफ हो गया और नीचे तो बहुत ज्यादा गंदा हो गया। अच्छा हो मैंने बेडशीट हटा दी क्योंकि फैन बहुत ज्यादा गंदा था, उसकी वजह से बहुत गंदगी हो गई। अब पूरा एक एक झाड़ना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तब जाके ये रूम बैठने लायक बनेगा। तो करते हैं जल्दी जल्दी सारे काम। 3 बज गए, ये सब करते करते आयना भी आ गई स्कूल से। अब इसकी ड्रेस वगैरह चेंज करा ले, कुछ दे दे खाने पीने को, उसके बाद करेंगे सफाई। आयना को तो मैंने अभी मिल्क दे दिया है तो वो पी रही है। तब तक मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से यहाँ की सफाई कर लूँ, क्योंकि क्या है ना बाहर थोड़ा सा हॉल में ना गर्मी लगती है, तो यहाँ पे ही खाना खाएगी तो सही भी रहेगा। अभी स्कूल से आई भी है तो उसे लग रहा होगा कि मैं AC में बैठूँ आराम से, तो मैं फटाफट यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। पहले तो पूरा जो ये बेड है उसे कपड़े से अच्छे से थोड़ा सा पोंछ दे रहे हैं, धूल है जो, और जो गद्दों में गिरी थी वो भी हटा दे रहे थे झाड़ झाड़ के। उसके बाद गद्दे ना मैंने अच्छे से रब करके भी मतलब साफ कर लिए हैं, चेयर को भी साफ कर लिया है। और यशी ने अपनी यहाँ पे साइकिल रखी हुई है तो इतने कूड़े में वो भी गंदी हो गई। तो सारा जो मुझे मतलब सब डस्टिंग करनी थी वो तो हो गई है। अब मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ फटाफट, और झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पे पोछा भी लगाऊंगी, पोछा लगा के तब जा करके रूम साफ होगा। और अभी जब तक ये रूम साफ नहीं हो जाता है ना तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगी। मतलब इस रूम में मैं बैठ भी नहीं सकती, मुझे पता है ना, फिर लगता है ना कि काम अभी निकाला है तो उसे पूरा ख़त्म कर देते हैं तब जाके बैठते हैं। तभी जब ये पूरा रूम साफ हो जाएगा तब जाके मुझे मिलेगी शांति, अभी तो बहुत गंदा लग रहा है। आज तो मेरी हालत खराब हो गई, मैंने मतलब ऐसी सफाई ना कभी नहीं की है लाइफ में, कभी भी नहीं की है। ये सब काम ना मैं नहीं करती, फैन क्लीन करना और ये जाले साफ करना ये सब मैं हस्बैंड से कराती हूँ। बट मेरा आज मन ही हो गया कि मुझे पता है फैन गंदा लग रहा था बहुत, और मुझे ऐसा लगता है कि फैन की वजह से ये AC बहुत गंदी होती है, तो इसलिए मैंने मेरे मूड में आया मैंने कर डाला साफ। हालत बहुत बेकार हो गई। ये देखिए वो देखिए बाहर मैंने ना एक मैट बिछा दी थी, उसके बाद ये सारे जो अभी यहाँ से कपड़े ले गई थी, ये पिलो और बेडशीट ये सब उसी मैट के ऊपर रख दिए थे। तो अब मैं यहाँ पे बिछा दे रही हूँ, सारा साफ सफाई यहाँ की हो गई है, बस पोछा लगाना बचा है, वो भी कर दूंगी थोड़ी देर में। रूम को दोबारा से पहले जैसा देख के बहुत ज्यादा खुशी और तसल्ली हो रही है। मतलब मुझे ना बहुत उलझन होती है अगर घर गंदा होता है। अब देखिए मैंने इसे दोबारा से पहले जैसा कर दिया है, कितना गंदा कितना मैसी लग रहा था। बट थोड़ी बहुत चीजें हैं जो अभी हैं, लाइक ये चेयर और ये सारे कपड़े वगैरह अभी यहीं पे पड़े हुए हैं। सो अब मैं ये भी कर लेती हूँ, और यहाँ पे अभी पोछा मारना पड़ेगा क्योंकि क्या धूल जो होती है ना वो पोछे से ही जाएगी। कूड़ा तो चला गया झाड़ू से, बट जब तक वो धूल नहीं जाएगी तब तक पैर में मतलब लगेगा कि हाँ मिट्टी सी। आज कुछ
यार है क्या जो आप इतनी सफाई कर रही हो? रूम के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में बर्तन खाली करने के लिए, बर्तन पड़े हुए थे, और साथ में आयना एसी के लिए खाना लगाने के लिए। तो अब मैं ये लेके चल रही हूँ रूम में, और वहाँ पे बैठ के मैं भी खाऊंगी, इन दोनों को भी खिलाऊंगी। सफाई करी है ना मैंने, मतलब पैर मेरे दर्द हो गए, जबकि कोई भागा दौड़ी वाला काम नहीं किया, खड़े खड़े ही तो किया इस रूम की सफाई। लेकिन इन सब कामों में ना मेहनत बहुत ज्यादा लग जाती है, मतलब ऐसे ऊपर के जाले वाले साफ करना, फैन साफ करना, और ऊपर की वजह से क्या है कि नीचे भी गंदगी हो जाती है, तो टोटल ऊपर नीचे दोनों साफ करना पड़ता है। अब ये लोग करेंगे रेस्ट खाना वगैरह खा करके, मुझे करनी है अभी, पहले तो यहाँ पोछा लगाना है। अभी मेरा खाना खाने बैठी हूँ, लेकिन अभी मेरे दिमाग में ना काम ही घूम रहा है कि अभी क्या बचा है क्या बचा है, क्योंकि ऐसे इन लोगों की वजह से मैं अभी बीच में, वरना मैं पूरा काम करके फ्री हो करके तब जाके कुछ खाने बैठती, बट इन लोगों हो रहा था लेट, इसलिए अभी लेके आ गई हूँ। तो दिमाग में वही काम कर...